नकली जोधपुर में 15 साल बाद में पटना पार्टी का बोर्ड बना है। इतने वर्षों के दौरान जिस प्रकार क्षेत्र को खराब किया गया, जिस प्रकार से सपोर्ट किया गया, अनधिकृत सपोर्ट किया गया, उस हिस्से में हम लोग आज भी जूझ रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि इससे वो सुधार है। काफी कुछ सफलता मिली भी है, लेकिन अभी काफी कुछ काम करना बाकी है। उस शहर में चल रही इलीगल गतिविधियां, जिसमें बिना परमिशन कंस्ट्रक्शन, बिना परमिशन लैंड यूज चेंज, इस प्रकार के कई काम चल रहे हैं, उनको जगह मैंने एसपी से सहयोग मांगा है। तो इसमें हमारा सहयोग करें, इसलिए हम चाहते हैं कि इस प्रकार मध्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारी प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी जो रोल है करप्शन के साथ कोई समझौता नहीं हो, उसी नीति के चलते हम लोग काम कर रहे हैं। और जितने भी मेरा व्यक्तिगत मानना ही है कि कोई इलीगल बिल्डिंग बनती है तो जितना तो उसके मकान मालिक है उसे तो उसी निगम की जमता है कि उसकी लापरवाही से उसके शहर से उसकी मिली भगत से काम हुआ है। तो जितनी कार्रवाई मकान मालिक हो उसकी कार्रवाई उसके कर्मचारी को रोटती है। मैंने कई मीटिंगों में कई रोड के माध्यम से उनको यहाँ तक अधिकार दे रखे हैं, कोई नई बेसमेंट खुलता है जिसमें अगर परमिशन नहीं है निगम अपने लेवल बंद कर दे रहे हैं। कोई कंस्ट्रक्शन शुरू होता है बिना कोई नोटिस दिए, बिना परमिशन, कोई परमिशन लिए उसको ध्वस्त कर दे। जिससे नुकसान कम होगा, क्योंकि बिल्डिंग बड़ी होने के बाद में तोड़ना थोड़ा भारी पड़ता है। कई लोग कहते हैं भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई नुकसान हो जाएगा, हमें भी लगता है इतनी बड़ी बिल्डिंग नुकसान हो जाएगा। इस कारण में होता है कि बिल्डिंग बन मौका ही नहीं मिले, और हम चाहते हैं कि इस प्रकार के शहर लोगों को बिना परमिशन कोई काम नहीं करे। मैंने कोई जनरल बात की है, कोई व्यक्तिगत कोई किसी को आरोप नहीं लगाया, कोई व्यक्तिगत बात, मैंने सिस्टम के पूरे चोट खोदने बात की है। मैंने कहा जैसे 15 साल में क्षेत्र रुक गया था, उसको ठीक करने में टाइम लगेगा, मैं ठीक करने प्रयास भी कर रहा हूँ, लेकिन एकदम सब काम जल्दी से काम नहीं हो सकता है। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए मैं चाहता हूँ सिस्टम ठीक हो, जिससे कम से कम आगे जाके जो पहले जो कुछ हुआ कोई बात नहीं, आगे जाके भ्रष्टाचार नहीं हो और कोई भी शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हो। इसमें देखो कोई बिना ये सब है, मैंने प्रूफ की लोग आगे शिकायत करते हैं, आगे आगे पैसे मांगते हैं, लोग शिकायत करते हैं आगे पैसे ले लिए, कोई लिख के लेने को तैयार नहीं है। मैंने उनको कहा लिख के तो मैं कार्रवाई करता हूँ, पब्लिक भी तो जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे हम क्या कार्रवाई करेंगे। हम चाहते हैं पब्लिक को कोई पैसा मांग रहा है हमको शिकायत करें, कहीं आदमी पैसा मांग रहा है, कोई पैसा लेता है लिख के लेके ये पैसा ले रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करे तो हम लोग चाहिए। पब्लिक तो कैसी है कैसा पैसा मांग रहा है, पैसा काम नहीं होता, लेकिन लिखे लोग कोई चार नहीं है, इसलिए मेरे को कार्रवाई करें। सरकार द्वारा मामले में कई बार सरकार की ओर से भी ऐसा किया जाता है, कुछ भी घात के लिए को नियुक्त की जाती है। ये तो सिस्टम है, सिस्टम का फायदा है, इसमें कोई नई बात नहीं है, सिस्टम का फायदा है।